गुड आफ्टरनून। अच्छा आज तो स्कूल में बहुत काम हो रहा है ना, स्मार्ट क्लास बन रही है हमारे स्कूल में, ठीक है। चलो आगे एक गेम खेलते हैं, सब बच्चे थक गए सुबह से पढ़ते पढ़ते। चलो मैं बुला, जिन बच्चों को मैं बुलाऊंगी वो आएंगे, चार बच्चे। खुशी आ जाओ, आप ही आ जाओ, आप ही आ जाओ, कोई नहीं, वंशिका ही आ जाएगी। अच्छा एक आएगा शहजाद और एक आएगी सानिया और अतुल, कहाँ देख रहे हो, आप ही आओ। चलो चलो ठीक है, ज़रा ये पकड़ लो बच्चा, आप पकड़ो, ठीक है। देखो क्या करना है आपको, ऐसे ही क्या करना है, इसको खड़े हो जाओ चारों बच्चे। चलो रुको, ताल से ताल मिला ये गेम है, कौन सा गेम है, ठीक है। अब सानिया यहाँ से ताल देगी एक शहजाद को, शहजाद किसे देगा, अतुल को, और अतुल देगा वंशिका को। चलो शुरू करो, चलो अच्छा कोई बता सकता है क्या हो रहा है, करो करो जाओ। अब आप लोग बताओ क्या हो रहा है इस गेम में, सानिया क्या हो रहा है इसमें, नहीं नहीं हंस तो रहे हैं, एक चीज और हो रही है इसमें, बताओ किसी ने नोटिस किया, शहजाद गलत कर रहा है। हाँ देखो अर्जुन के लिए ताली बजाओ, ये देखो कौन कर रहा है इसमें ताल, कौन खराब कर रहा है, शहजाद है ना ताल। तो देखो इस गेम के माध्यम से हमने आपको एक चीज़ बताई है, अब आपका एक ग्रुप बनाया हमने है ना, अगर आपके ग्रुप में एक भी बच्चा उस काम को सही नहीं कर रहा है तो वो काम सही नहीं होगा, सिर्फ एक ताली तो है ये है ना। और शहजाद जो है उसमें, चाहे शहजाद हो चाहे कोई हो, ये तो हमने आपको एक, ये कोई भी बच्चा हो सकता है, आप मैं किसी और चार बच्चों को बुलाऊंगी उनमें भी कोई भी बच्चा हो सकता है, इसमें कोई भी बच्चा हो सकता है ना। अगर हमारे ग्रुप में, हम आपका ग्रुप बना देते हैं, अगर हमारे ग्रुप में एक भी बच्चा उस काम को नहीं समझा है ना, मैं आपको ग्रुप की पावर की बात बता रही हूँ, अगर एक भी बच्चा उस पावर को नहीं समझ पाया तो क्या होता है, कभी भी वो काम आपका परफेक्ट नहीं होगा। तो ग्रुप की, ग्रुप में क्या होना चाहिए, अब ये क्या, एक ताली तो बजानी है इनको, कितना छोटा सा काम है ये है ना, एक तालीस ने दी उसको ऐसी ताल बजानी है, तो क्या हो रहा है इसमें, कभी भी हमारी ताल जो है वो अगर बीच में बिगड़ रही है तो आगे भी बिगड़ रही है। अगर आपका काम शुरू में ही गलत हो रहा है या एक भी सदस्य आपका, वो ग्रुप का वो सदस्य वो काम नहीं समझ रहा है, तो आपका काम कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ग्रुप में जब भी काम करना चाहिए उसको, एक तो सब बच्चों को समझना चाहिए उस काम को, कितने बच्चों की समझ आई मेरी बात, है ना, आप लोगों की समझ में आई ना, है ना शहजाद, आई समझ में बेटा। शहजाद को मैंने इसलिए बुलाया, देखो शहजाद को बुलाने का एक मकसद था मेरा, शहजाद को बुलाने का क्या मकसद था, कौन बच्चा बता सकता है, बताओ सही ना, और कौन बताएगा, क्योंकि शहजाद कभी भी किसी भी काम को समझता नहीं है, है ना, इसलिए मैंने इसलिए बुलाया शहजाद को इसमें, ताकि शहजाद समझे कि अगर वो काम को सही नहीं समझेगा तो उससे आपकी पूरी क्लास पर असर पड़ेगा, शहजाद हो गया या कोई और भी बच्चे हो गए, अगर आप किसी भी काम को ऐसे नहीं समझोगे जैसे और बच्चे कर रहे हैं तो आपकी क्लास की जो वैल्यू है वो नहीं रहेगी जो आपको साथ काम करने में होती है। बेटा शहजाद समझ आई बात, मैंने इसको मारने के बजाय इसको एक गेम के तरीके से समझा दी है बात, है ना, कि हम सबको काम को समझना
चाहिए और समझना हमें बहुत जरूरी है। चलो ताली बजाओ एक बार।